साहा के गांव नोहनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही। गांव रोहनी के स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण मरीजों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। जी हां, आपको बता दें कि बीती रात गांव नोहनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर आया गया, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लगे होने की वजह से वहां पर पहुंचे व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, अब तक 6 से 7 बार ऐसा हो चुका है कि महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन या तो हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं होते या फिर ताला लगा मिलता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के साथ कुछ भी हो सकता है। गांव वासियों ने प्रशासन से अपील की कि यह डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पर वहीं जब इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां पर स्टाफ की कमी है और इस कमी के चलते उन्होंने कई बार अधिकारियों को पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं वह डॉक्टर से पूछा गया कि क्या रात को यहाँ पर कोई सी भी चौकीदार का कोई प्रबंध नहीं है, तो डॉक्टर ने अपनी बासी कहीं काटते हुए नजर आए। ऐसे में अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? वही डॉक्टर साहब कहते हैं यहाँ से होते हैं लड़ने वाले, कहने लगे जी हम तो मैं कर लेती हूं, कहां आ जाऊं जी मैं, चलो खैर कोई नहीं, वो बेचारी मजबूर थी, वो अगर बराड़े बराड़े जाओ जी, बराड़े वाले कहने लगे जी आप कैंट जाओ जी, कहां का ये बेचारे कहां जाएं गरीब लोग। तो जब यहां देखो हॉस्पिटल है 24 घंटे खुला है हमारा, मैं एक दिन आया था जी यहां पे पता करने के लिए। अच्छा जी, यहां से ताले लगे मिले, मारी बहू में दर्द होया, पानी दानी चल गया, यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं मिला, एम्बुलेंस गेट के अंदर खड़ी है, वहां डॉक्टर दी नहीं है, है? क्वार्टर का भी ताले लग रहे, ना कोई गड्डी नहीं खड़ी है, कोई डॉक्टर नहीं। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गोयल है, मैं यहाँ का एनएमओ इंचार्ज हूँ पीएचसी नोहनी का। मैडम एक्चुअली हमारे पास 4 स्टाफ नर्सें थी, जिसमें से एक मैटरनिटी लीव के ऊपर है, एक सीसीएल के ऊपर है टिल दिसंबर तक। उस कारण हमारे पास केवल 2 ही स्टाफ नर्सें बचती हैं, जिनमें से एक की ड्यूटी हमने मॉर्निंग यहाँ पे फार्मासिस्ट ना होने के कारण ओपीडी में लगा रखी थी, और एक हमारा हरियाणा स्टेट का सीरो सर्वे शुरू हुआ है, दूसरों की ड्यूटी हमने उसमें लगा रखी है, वो अभी भी सैंपलिंग कर रही हैं तलेड़ी गाँव में, और मैं खुद भी नौनी में सैंपलिंग करवा रहा हूँ। मैडम इसके बारे में आपको बताता हूँ, नर्सिंग स्टाफ का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारे पास 2 हैं, शॉर्टेज है दिसंबर तक, जैसे वो 4 आ जाएंगी हमारी शॉर्टेज पूरी हो जाएगी और हम सबको कर देंगे। और इसमें जो आप चौकीदार का कह रहे हैं, पहले जो सर हमारा चौकीदार था उसकी डेपुटेशन कर रखी थी वीरोलॉजी लैब में सेक्टर 10 में, पर हमें पता लगा वो वहाँ पे नहीं जा रहा है, उस कारण अभी 5-6 दिन पहले एक नए आदमी के ऑर्डर हुए हैं और उसने ज्वाइन कर लिया था, उसको हमने मॉर्निंग में ये सीरो सर्वे के अंदर ड्यूटी लगा रखी थी ताकि कार्य सीरो सर्वे का सही ढंग से हो सके। मैडम हम भेजने के लिए, ये देखो ये मामला उन्होंने मेरे नोटिस में नहीं डाला कि उन्होंने आशा वर्कर को फोन किया है, ना उन्होंने मुझे वो घर जाके आए हैं सर उनके, मैम उन्होंने मुझे नाम तक नहीं दिया उसका, आशा वर्कर का कुछ लिखती में नहीं दिया कि मैं उसको कह सकूँ वो क्यों नहीं गई कैसे नहीं गई। ये हमारी एम्बुलेंस 24 आवर्स अवेलेबल होती है और पेशेंट को हायर सेंटर पर लेके जाती जाती है, हमारी सीएचसी मुलाना पर डिलीवरी होती है, इट्सेल्फ वहाँ पर ड्यूटी भी होती है डॉक्टर की अराउंड द क्लॉक।